मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र में एक गांव में 3 दर्जन से अधिक मौतें। ग्रामीणों का आरोप, नहीं हुई कोई टेस्टिंग। कोरोना ने मचा रखा है तांडव। गांव के लोग भय के साय में जी रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 25 मई 2021 को जहां वैश्विक महामारी कोरोना ने अपना तांडव मचा रखा है, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र भी है। यहां कोरोना काल में लोग लापरवाह तब हैं जब कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके लोग एहतियात बरतने से परहेज कर रहे हैं। यहां लंबुआ तहसील के मुस्लिम बहुल्य गांव तातो मुरे न्यास में बीते एक माह के अंदर 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। नतीजा यह है कि गांव में सन्नाटा पसरा है, लोग दहशत में जी रहे हैं। अधिकतर मौतें तेज बुखार, सर्दी, खांसी और सांस फूलने की वजह होना बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम झांकने तक नहीं आई। बताते चले कि जानकारी करने पर गांव की रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अख्तरी बानो बताती हैं कि अब तक 48 मौत हो चुकी हैं, जिसकी काउंटिंग की गई है। लोग सर्दी, जुखाम, बुखार और इस अवस्था में अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर गए हैं, लेकिन गांव में कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई, किसी ने कोई भी जांच भी नहीं कराई। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। हाँ, यदि हम लोग घर घर सर्वे कर रहे हैं, प्रतिदिन एक दिन में 50 घर का सर्वे हम लोग का है। सबके यहाँ का मोबाइल नंबर लिया हुआ है, अगर जिसके यहाँ हम लोग नहीं पहुँच रहे हैं मोबाइल से संपर्क कर रहे हैं। सबको ये समझाया जा रहा है कि अगर किसी को भी सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार है तो तुरंत आप कोविड की जाँच करवा के हॉस्पिटल में आइसोलेट हो जाएँ, या कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो अपने घर पर ही आइसोलेट हो जाएँ। लेकिन कोई भी बात मानने के लिए हम लोग की तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग गांव के हैं, आशा और आंगनबाड़ी बहने हैं। हाँ, जबरदस्ती हम लोग जो करवाया जा रहा है कर रहे हैं। तो जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ आनी चाहिए, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी यहाँ आया कि नहीं आया? सर, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी आज तक हमारे यहाँ दिखे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शमसुद्दीन खान, तातो मुरैनी। ये सुनने में आया कि तातो मुरैनी में काफी मौतें हो चुकी हैं। जी सर, क्या लगभग हर घर में आदमी बचा होंगे, लेकिन घर नहीं बचा है, चाहे दोनों बीमारी कुछ न कुछ हो। 50 आदमी लगभग मरा, एक भी आदमी सरकार कोई यहाँ स्वस्थ नहीं, स्वास्थ्य विभाग का, पुलिस का या लेखपाल का, या सर कौन एक आदमी पता लगा तैयार ना, इतना डरे हुए हैं। जब वो लोग डरे हैं तो हमारे तक क्या हाल है? जी, कौन दिक्कत नहीं। अरे भैया, आप पहला आदमी है कि आज कम से कम हमारे गांव खबर लेता। आज तक कौन डिपार्ट हमारे किया ना, आशा न मास्टर न स्वास्थ्य विभाग का, न थाना को पुलिसो पता ना लगा, दोनों है भर भर के पता। डर के मारा कोई गाँव में नहीं आ रहा, क्या मालूम कैसा मुस्लिम करके या और कौन बात करके। तो यहाँ कितने आदमी की? लगभग 50। 50 आदमी? 50। तो कोई स्वास्थ्य विभाग का या कोई कर्मचारी अधिकारी? कोई भी आदमी एक टैबलेट कोई नहीं दिया, यहाँ नहीं आया। यहाँ नहीं आया। तो अब लोग किसी उच्च अधिकारी से किसी क्या कोरोना से मरने की सूचना कुछ गांव में आई, जो मुरैनी गांव में बताया जा रहा है कि लगातार मौतें, क्या है ये? चुनाव के बाद से ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना वायरस ग्रामीण क्षेत्रों में फैलेगा, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक एग्रेसिव टेस्टिंग करने के लिए और एग्रेसिव आइसोलेशन करने के लिए हमने लगभग 2500 टीमें गांव में उतारी थी और मेडिकल किट का वितरण भी कराया जा रहा है। फिर भी जहां पे ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि किसी प्रकार की डेथ्स हुई हैं, वहां पर हमारी मेडिकल जो RRT है वो जाके वहां टेस्टिंग करती है, और ज़्यादा ऐसी कोई बात होती है तो हमारे मैजिस्ट्रेट्स और सीनियर डॉक्टर्स भी जाते हैं। जो गाँव का आप नाम ले रहे हैं, वहाँ SDM ने भी विज़िट किया था और वहाँ पर लोगों की टेस्टिंग भी कराई गई, तो कोई भी वहाँ पर ना पॉजिटिव मिला था। और जो बता रहे हैं डेथ्स, वो थोड़ी सी एग्जैजरेटेड संख्या भी बता रहे हैं, और जनरली उस तरह की कोई वैसी बात निकली नहीं। फिर भी वहाँ पे एहतियातन सैनिटाइजेशन, फॉगिंग कराने के लिए